अरे वाह, आज कितनी ठंडी हवा चल रही है। लगता है शाम को बारिश होने वाली है। हर्ष भैया अभी तक सो रहे हैं, मैं अभी उन्हें जाकर जगा देती हूँ। पापा आप जग गए? हाँ मायरा, मैं जग गया। क्या पापा मुझे समोसे खाने का मन कर रहा है। लेकिन मायरा, इतनी सुबह सुबह दुकान नहीं खुले होंगे, तो मैं समोसे कैसे लाऊंगा? मायरा कोई बात नहीं पापा, दोपहर में लेते आना। की आवाज सुनकर हर्ष जग जाता है। आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं पापा? कुछ नहीं हर्ष, चलो पहले ब्रश कर लेते हैं। इधर से रवि और नैन्सी जा रहे हैं। रवि भैया आज का मौसम बहुत ही बढ़िया है। तो चलो नैन्सी, आज हम लोग क्रिकेट खेलने चलते हैं। इस मौसम में क्रिकेट खेलने में बहुत ही अच्छा लगेगा। हाँ भैया चलिए, मायरा हर्ष को भी बुला लेते हैं, साथ में क्रिकेट खेलेंगे। हाँ ठीक है नैन्सी, चलो। रवि नैन्सी मायरा हर्ष को बुलाने जा रहे हैं। नैन्सी, यहाँ पर तो मायरा हर्ष है ही नहीं। मैं अभी मायरा हर्ष को आवाज देती हूँ। मायरा हर्ष कहाँ हो तुम दोनों? हाँ नैन्सी कैसी हो? मायरा मैं ठीक हूँ, चलो आज हम लोग क्रिकेट खेलने चलते हैं। हर्ष कहाँ पर है, दिखाई नहीं दे रहा। मैं यहाँ हूँ रवि, कहाँ घूम रहे हो? हर्ष, मौसम बहुत ही बढ़िया है, चलो आज हम लोग क्रिकेट खेलने चलते हैं। ठीक है, मैं अभी नीचे आता हूँ। हर्ष सीढ़ियों से नीचे आने लगता है। रवि, मैं अभी घर से बैट लेकर आता हूँ। हर्ष घर में बैट लेने जा रहा है। ये रहा मेरा बैट, अब इसे ले लेता हूँ। इस बार मैं रवि को हरा कर रहूंगा, वो मुझे हर बार हरा देता है। अब चलो सभी लोग, देखो मेरे पास बॉल भी है। इधर गीता किचन में काम कर रही है। तुम लोग कहाँ जा रहे हो बच्चों? हम लोग क्रिकेट खेलने जा रहे हैं मम्मी। अच्छा सुनो बच्चों, तुम लोग ज्यादा दूर मत जाना और जल्दी ही खेल कर आ जाना। तब तक मैं सभी के लिए समोसे लेने जा रहा हूँ। ठीक है पापा। सभी बच्चे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। बच्चे सब तो चले गए, अब मैं भी जाकर अपना काम कर लेती हूँ। सभी के लिए मुझे खाना बनाना है। गीता किचन में खाना बनाने चली जाती है। मेरी बाइक खराब हो गई है और ये स्कूटी भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो मुझे रिक्शे से ही मार्केट जाना पड़ेगा। तभी मार्केट की ओर से रिक्शा वाला आ रहा होता है। रिक्शा वाले भैया, क्या आप मार्केट चलोगे? हाँ हाँ भैया, बिल्कुल चलेंगे, आप बैठिए तो सही। चलिए ठीक है भैया, मैं अभी बैठ जाता हूँ। अब रिक्शे को मार्केट की तरफ घुमा लेता हूँ। इधर बच्चे प्लेग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे होते हैं। रवि बॉल फेंको। अभी फेंक रहा हूँ हर्ष। ये मैंने छक्का मार दिया। हर्ष भैया मुझे भी खेलना है। चलो मायरा हम दोनों खेलते हैं। बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तभी उधर से एक अंकल आते हैं। बच्चों, तुम लोगों को इस समय घर पर होना चाहिए, जल्दी घर जाओ, बारिश आने वाली है। हाँ दादाजी आप सही कह रहे हैं, वैसे भी अब हम लोग घर पर ही जाने वाले थे। पापा भी समोसे लेकर आ गए होंगे। हाँ दादाजी, अब हम लोग घर जा रहे हैं, चलो मायरा हर्ष। काफी देर हो गई है, ये सभी कहाँ रह गए? अब तो हल्की हल्की बारिश भी होने लगी है। इधर कार्तिक समोसे लेकर घर लौट रहा है, तभी बारिश शुरू हो जाती है।
अब तो बारिश भी शुरू हो गई है और बिजली भी चमक रही है। अरे भैया क्या कर रहे हो आप, थोड़ा रिक्शे को तेज चलाइए, ऐसे तो सारे समोसे गीले हो जाएंगे। अरे भैया मैं तो पूरी ताकत से चला रहा हूँ, अब इससे तेज नहीं चला पाऊंगा मैं। कहाँ फंस गया मैं, इससे जल्दी तो मैं पैदल ही घर चला जाऊंगा। रिक्शा रोकिए भैया, मैं पैदल घर जा रहा हूँ। कार्तिक रिक्शे से नीचे उतर जाता है और जल्दी से समोसे वाला थैला ले लेता है। कार्तिक रिक्शे से उतरकर भागने लगता है। भाई साहब कहाँ भाग रहे हो, मेरे पैसे तो देते जाओ। रिक्शा वाला भी पैसे के लिए कार्तिक के पीछे भागने लगता है। इधर बच्चे भी घर की ओर भाग रहे हैं, बारिश बहुत तेज होने लगी है। रवि नैन्सी रुको, रवि नैन्सी, हर्ष भैया रुकिए, आ मेरा पैर। क्या हुआ मारा, कैसे गिर गए, रुको मैं अभी तुम्हें उठा देता हूँ। उठो मारा, उठो मारा। भैया मैं नहीं चल पाऊंगी, मेरे पैर दुख रहे हैं। तो ठीक है मारा, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा लेता हूँ, जल्दी से बैठ जाओ। हर्ष मारा को अपनी पीठ पर बैठा लेता है और भागने लगता है। कितनी तेज बारिश हो रही है। रवि नैन्सी मायरा हर्ष कहाँ रह गए। गीता रवि नैन्सी से पूछ ही रही होती है, तभी उधर से मायरा हर्ष आ जाते हैं। चलो मायरा अब अपने घर पर पहुंच गए। मायरा को क्या हो गया जो तुम अपनी पीठ पर बैठाए हुए हो हर्ष। मम्मी मायरा को चोट लग गई, इसलिए मैं इसे अपने पीठ पर बैठा लिया। ओ चलो आओ मायरा, मैं तुम्हें दवा लगा देती हूँ। इसलिए मैंने मना किया था, जब मौसम खराब हो तो बाहर नहीं खेलने जाना चाहिए। इधर कार्तिक भी घर पहुँच जाता है। इधर रिक्शा वाला भी कार्तिक का पीछा करते करते घर पहुँच जाता है। पापा आ गए। पापा आप तो पूरी तरह से गीले हो गए हैं, लगता है सारे समोसे भी गीले हो गए होंगे। ओ मैं तो जल्दी में पैसे देना ही भूल गया, अच्छा मैं अभी पैसे देता हूँ। कार्तिक रिक्शे वाले को पैसा दे देता है। मैं अभी थैले में चेक करता हूँ समोसे बचे हैं या गीले हो गए। पापा समोसे तो गीले हो गए। क्या समोसे गीले हो गए, अरे नहीं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।